अब मैं कथा सुनाता हूँ। एक गांव का पागल आदमी था, खूब नशा करे, खूब मांसाहार करे, खूब गंजेड़ी भंगेड़ी। अच्छा, किसी को उससे पटरी ना खाए, गांव वाले लोग भी त्रस्त हो गए, क्योंकि सबका काम ही बिगाड़ता था वो। कहीं किसी का कोई त्यौहार हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, जाकर के गाली गलौज। गांव वाले लोग उस आदमी से एकदम त्रस्त आ गए थे। सबको यही प्रार्थना करता था, या तो ये मर जाए या गांव छोड़ करके चला जाए। किसी आदमी से आदमी जब तंग आ जाता है तो यही सोचता है, या तो मर जाए या खत्म है, ये चला ही जाए। एक बार गांव में हम जैसे मूर्ख महात्मा कथा करने पहुंचे, और कथा हो रही थी, गांव वालों ने कहा, देखो बाबा जी, आप सब कुछ सही कर देते हो, ऐसा करो, हमारे गांव का ये लड़का है, इसको आप लेकर के जाओ और इसको सही कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। महात्मा जी बोला, क्यों, दिक्कत क्या है? कहने लगे, पूरे गांव के आदमी परेशान हो गए। अच्छा, जब गांव के आदमी परेशान हो गए तो जाहिर सी बात है, उस आदमी को कहीं ना कहीं दो चार गाली गलौज कर ही देते होंगे। और वो आदमी भी जो है ना, बिल्कुल परेशान सा हो गया था गांव वालों को देख देख कर। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगा, एक शर्त पे मैं जाने के लिए तैयार होऊंगा। क्या शर्त? तो कहने लगे, शर्त ये है कि ना तो मैं दारू छोड़ूंगा, ना मैं बीड़ी छोड़ूंगा, ना मैं गांजा छोड़ूंगा, ना मैं मांसाहार छोड़ूंगा, ना मैं गाली गलौज छोड़ूंगा, ना ही मैं सुबह उठूंगा, ना मेरा खाने में कोई नियंत्रण होगा, और सबसे बड़ी बात, मैं कोई भजन पूजा पाठ नहीं करूंगा। महात्मा जी ने बोला, चलो ठीक, मैं तुमको ना आज कभी भजन पूजा पाठ, ना तुम्हारे कोई नित्य कर्म के लिए मना करूंगा, मैं नहीं मना करो। महात्मा जी के साथ चले गए। कई दिन बीते, कई समय बीते, शराब पीने का मन हो, महात्मा जी टोके ही नहीं, गाली गलौज करे, महात्मा जी मना ही ना करे। 10 बजे सो करके उठने का मन हो तो 10 बजे उठे, 12 बजे का हो तो 12 बजे, जो खाने का मन हो खाए, जैसा घूमने का मन हो घूमे, जो पहनने का मन हो पहने। अच्छा, उसको लगा कि महात्मा जी बहुत बढ़िया आदमी, क्योंकि घर वाले लोग मना करते थे, भाई 9 बजे घर आ जाना, सुबह 5 बजे, महात्मा जी कुछ बोले ही नहीं रहे, जब टोंक ही नहीं रहे हैं, डांट ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि महात्मा जी हमारे अनुकूल हैं। तो महात्मा जी से मित्रता हो गई, महात्मा जी से दोस्ती हो गई। दारू पिए तो महात्मा जी टोके ही नहीं, महात्मा जी राम नाम लेने बोले ही नहीं, महात्मा जी कभी बोले ही नहीं कि भाई ये कपड़ा पहनो, वैसा करो, ऐसा करो, मंदिर आओ। सो महात्मा जी से मित्रता हो गई। एक दिन महात्मा जी ने कहा, ऐसा करो, मैंने आज तक तुमको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं टोका, मेरे कहने पर एक बार राम का नाम ले लो। बोले, ये नाम मैं नहीं लूंगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं भगवान भगवान में विश्वास नहीं करता। बोले, कोई बात नहीं, देखो मैं मना नहीं करता, कोई चीज नहीं, एक बार केवल, जीवन में फिर कभी मत लेना, एक बार भगवान का नाम ले लो, केवल एक बार। उसने कहा, चलो जब आप इतना कह रहे हैं, आप जैसा आदमी आज तक भला आदमी नहीं मिला, जो हमको दारू पीने से भी ना मना करता हो, कोई काम से मना ना करता हो, चलो आप कह रहे हैं तो आपके लिए एक बार राम का नाम ले ले। उसने भी, गंजेड़ी ने भी एक बार राम बोल दिया। महात्मा ने बोला, हो गया बेटा तेरा काम, अब ध्यान रखना कि कोई आदमी तुमको कुछ कहीं कहे भी तो उसको बोलना कि यह एक राम नाम के बदले जो मिलता है वो हमको दे दो। इस राम नाम के बदले में, इस राम नाम की कीमत जो होती है वो हमको दे देना। अच्छा, सारा जीवन पार हो गया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो मौका मिला नहीं, समय आया मर गया, और मर करके चला गया, कहाँ गया? यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा, भाई देखो इसके खाते में क्या क्या किया है,
पन्ना पलटे जाने लगा, अरे बाप रे बाप, हाँ अनगिनत तो मुर्गा खा रखा है इसने, कितनी कुंटल लीटरों तो दारू पी रखी है, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों का जो है इसने धन लूटा, इतने लोगों का ये किया और ऐसा किया वैसा किया। यमराज जी ने कहा इसको तो भयंकर नरक में जाना पड़ेगा, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा।